नमस्कार, मैं शिवानी बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। खबरों की ओर बढ़ने से पहले एक नजर डालते हैं सुर्खियों पर। बिहार में जमीन सर्वे में सर्वर डाउन की समस्या, दस्तावेज अपलोड करने में हो रही देरी, 1 से 2 सप्ताह में समस्या हल होने की संभावना। सक्षमता 2 परीक्षा की पुनर्परीक्षा का परिणाम जारी, कक्षा 9 से 10 और 11 से 12 के क्रमशः 69.70% और 62.14% अभ्यर्थी सफल, अभ्यर्थी परिणाम आधिकारिक वेबसाइट पर देख सकते हैं। सबसे लंबी मिथिला पेंटिंग बनाने का बना विश्व रिकॉर्ड, एक दिन में 900 कलाकारों ने बनाया सबसे लंबी मिथिला पेंटिंग, डिप्टी सीएम ने इसे बिहार की बड़ी उपलब्धि बताया। शारदा सिन्हा के बेटे का भावुक पोस्ट, जब शारदा सिन्हा अपने पति के जन्मदिन को ऐसे बनाती थी खास, अंशुमन सिन्हा के पोस्ट से भावुक हुए फैंस। शमी का नेट से प्रैक्टिस में तूफानी प्रदर्शन, शमी ने क्रिकेट को बताया अपनी आत्मा, शमी की बिजी टीम में वापसी पर अटकले तेज। अब चलिए बढ़ते हैं शाम तक की बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। बिहार में खाद्य प्रसंस्करण नीति जल्द लागू होने वाली है, जो किसानों और उद्यमियों के लिए फायदेमंद साबित होगी। इस नीति के तहत राज्य में खाद्य उत्पादों का निर्यात बढ़ेगा और किसानों को उनके उत्पादों के अच्छे दाम मिलेंगे। नीति लागू होने के बाद राज्य में फूड पार्क को बढ़ावा मिलेगा, जिसके लिए मुजफ्फरपुर में 140 एकड़ में मेगा फूड पार्क बन रहा है। पटना के बिहटा में ट्राई पोर्ट और ई रेडिएशन सेंटर भी खुल गया है, जिससे खाद्य उत्पादों का विदेशों में निर्यात संभव होगा। इससे कृषि, बागवानी, पशुपालन और मत्स्य पालन से जुड़े लोगों को रोजगार के अवसर भी मिलेंगे और उनके उत्पादों की मांग बढ़ेगी, जिससे उनके दाम भी बढ़ेंगे। उद्योग मंत्री नीतीश मिश्रा ने कहा कि बिहार में खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र के लिए अलग नीति की जरूरत है, जिससे निवेशकों को आकर्षित किया जा सके। मंत्रिपरिषद की स्वीकृति के बाद नीति लागू की जाएगी। इसी के तहत उद्योग विभाग ने आज राजधानी में खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र के निवेशकों का एक सम्मेलन भी बुलाया। बिहार में जमीन सर्वे के तहत दस्तावेजों को ऑनलाइन अपलोड करने में समस्या आ रही है, जिसका मुख्य कारण सर्वर की स्पेस की कमी है। पिछले 1 सप्ताह से सर्वर में यह समस्या उत्पन्न हो रही है, जिससे दस्तावेज अपलोड करना मुश्किल हो गया है। अब तक 76 लाख दस्तावेज प्राप्त हुए हैं, जिनमें 41 लाख ऑनलाइन अपलोड हो चुके हैं और 35 लाख दस्तावेज ऑफलाइन प्राप्त हुए हैं। समाधान के लिए बेल्ट्रॉन से बात की जा रही है और प्रमंडलवार सर्वर तैयार करने की योजना है। विभाग को उम्मीद है कि यह समस्या 1 से 2 सप्ताह में हल हो जाएगी। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति बिहार बोर्ड ने मैट्रिक परीक्षा 2025 के लिए डमी एडमिट कार्ड जारी किया, जिसमें कई गड़बड़ियां सामने आई हैं। छात्रों के नाम, जन्मतिथि, विषय और श्रेणी में त्रुटियां पाई गई। कई दृष्टिबाधित विद्यार्थियों के एडमिट कार्ड में विषयों का परिवर्तन किया गया, जबकि सामान्य विद्यार्थियों के एडमिट कार्ड में दृष्टिबाधित के विषय अंकित किए गए हैं। बोर्ड ने विद्यार्थियों को अपने डमी एडमिट कार्ड में त्रुटि सुधार करने की हिदायत दी है। सुधार की प्रक्रिया 5 दिसंबर तक पूरी करनी होगी, अन्यथा विद्यालय प्रधान के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। मधुबनी जिले के स्थापना दिवस पर रविवार को विश्व की सबसे लंबी मिथिला पेंटिंग बनाने का कीर्तिमान स्थापित हुआ। यह पेंटिंग 1900 फीट लंबी है और इसमें 182 विषयों को शामिल किया गया है। इसे 900 से अधिक कलाकारों ने एक दिन में साकार किया, जिसमें 2 पद्मश्री सम्मानित कलाकार और 2.5 दर्जन नेशनल अवार्डी शामिल थे। इस ऐतिहासिक पेंटिंग का उद्देश्य मिथिला चित्रकला के क्षेत्र में रोजगार सृजन करना है। आयोजन में दिव्यांग कलाकार ममता कुमारी की कला को भी सराहा गया। उप मुख्यमंत्री सह कला संस्कृति मंत्री विजय कुमार सिन्हा ने कहा कि एक दिन में इतनी लंबी और शानदार पेंटिंग बनाना मिथिला पेंटिंग के कलाकारों तथा बिहार की एक बड़ी उपलब्धि है। कला संस्कृति विभाग इस ऐतिहासिक कार्य से जुड़े कलाकारों को सम्मानित करेगा। बिहार में बढ़ते वायु प्रदूषण को देखते हुए वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए राज्य सरकार ने 6 नेशनल थर्मल पावर प्लांट्स पर सख्ती बरतनी शुरू कर दी है। इसमें पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग के मंत्री डॉक्टर प्रेम कुमार ने भी सभी 6 नेशनल थर्मल पावर स्टेशन में FZD लगाने का दिशा निर्देश दिया है। 2026 तक इन प्लांट्स को फ्यूल गैस डीसल्फराइजेशन FZT संयंत्र लगाना होगा, ताकि सल्फर डाइऑक्साइड के उत्सर्जन को कम किया जा सके। प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने सूक्ष्म धूलकण PM2.5 और PM10 के स्तर को मानक से अधिक पाया है। प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने औद्योगिक संस्थानों से स्वच्छ ईंधन जैसे CNG, PNG और LPG के उपयोग की अपील की है, जिससे वायु प्रदूषण में कमी आएगी।
बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने सक्षमता 2 परीक्षा की पुनर्परीक्षा का परिणाम 2 दिसंबर 2024 को जारी कर दिया है। इस परीक्षा में कक्षा 9 से 10 और 11 से 12 के 7 विषयों में शिक्षक अभ्यर्थियों ने भाग लिया था, जिनकी परीक्षा प्रश्न पत्र में त्रुटि के कारण रद्द कर दी गई थी। कक्षा 9 से 10 के 5 विषयों में 429 अभ्यर्थी शामिल हुए थे, जिनमें से 299 यानी कि 69.70% सफल हुए हैं। कक्षा 11 से 12 के 2 विषयों में 206 अभ्यर्थी थे, जिनमें से 128 यानी 62.14% अभ्यर्थी सफल हुए हैं। अभ्यर्थी अपना परिणाम वेबसाइट www.bsebsakshamta.com पर देख सकते हैं। बता दें कि सक्षमता 2 के अन्य विषयों का परिणाम 16 नवंबर को जारी किया गया था। इस प्रकार कुल 66,143 शिक्षक अभ्यर्थी सक्षमता 2 परीक्षा में सफल हुए हैं। बिहार सरकार ने गंगा और कोसी नदियों पर 5 नए पीपा पुल के निर्माण को मंजूरी दी है, जिससे क्षेत्रीय विकास और आवागमन में सुविधा होगी। इनमें से एक पुल समस्तीपुर जिले के मोहनपुर प्रखंड में गंगा नदी पर बनेगा, जिससे बख्तियारपुर और मोहनपुर के बीच दूरी 90 किलोमीटर से घटकर 15 किलोमीटर रह जाएगी। अन्य पुलों का निर्माण पटना, भोजपुर, बक्सर और मधेपुरा खगड़िया में भी किया जाएगा। इन पुलों की कुल लागत 69.69 करोड़ रुपये है। वहीं इसको लेकर उप मुख्यमंत्री सह पथ निर्माण मंत्री विजय कुमार सिन्हा ने कहा कि इन पीपा पुलों के निर्माण से क्षेत्र के लोगों को आवागमन में काफ़ी सुविधा होगी और इससे क्षेत्र का विकास भी होगा। उन्होंने कहा कि इन सभी परियोजनाओं का काम शीघ्र शुरू किया जाएगा। बिहार कोकिला शारदा सिन्हा के बेटे अंशुमन सिन्हा ने फेसबुक पर एक भावुक पोस्ट शेयर किया है, जिसमें उन्होंने अपनी मां और पिता ब्रज किशोर सिन्हा की यादों को ताजा किया। पोस्ट में शारदा सिन्हा के दिल छूने वाले भाव व्यक्त किए गए हैं, जिनमें वो अपने पति के जन्मदिन पर विशेष व्यंजन तैयार करती थी। इस पोस्ट में लिखा है कि आज सिन्हा साहब होते तो सुबह चुपचाप पास आकर बैठते और थोड़ी देर मुझे देखते रहते, फिर मैं उनके चेहरे से उनके मन की स्थिति जान मुस्कुराती और पूछती, क्या बात है बोलिए, और तब वे ठहाका लगा के हंसने लगते, कहते कि कुछ नहीं जी, क्या रहेगा। फिर मैं उनसे उनकी ही बगिया का एक गुलाब देती और कहती, जन्मदिन की अनंत बधाई आपको। अंशुमन की इस पोस्ट ने उनके फैंस को भावुक कर दिया है। बिहार सरकार ने जनवरी 2025 से महिला शिक्षकों के लिए एक नई योजना की शुरुआत की है, जिसके तहत उन्हें अब अपने जिलों में ही प्रशिक्षण मिलेगा। इसके लिए विद्या समीक्षा केंद्र के जरिए प्रदर्शन की निगरानी, शिक्षकों और छात्रों के प्रदर्शन को बेहतर बनाने के लिए हर जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान में विद्या समीक्षा केंद्र नामक मॉनिटरिंग सेंटर बनाया जाएगा। इससे महिला शिक्षकों को उनके परिवार और पेशे की जिम्मेदारियों के बीच संतुलन बनाने में मदद मिलेगी। इस योजना के तहत हर जिले में प्रशिक्षण होगा, जिसमें गुणवत्ता सुधार और शैक्षणिक नवाचारों पर ध्यान दिया जाएगा। इसके अलावा 149 औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों यानी ITI में नए उद्योग केंद्रित पाठ्यक्रम शुरू होंगे, जो युवाओं को रोजगार के लिए बेहतर तैयार करेंगे। यह कदम शिक्षा और रोजगार के क्षेत्र में महत्वपूर्ण सुधार साबित होगा। पटना में बीते दिन रविवार को सामुदायिक स्वास्थ्य पदाधिकारी CHO की परीक्षा में बड़े पैमाने पर धांधली का मामला सामने आया। चल रही मीडिया खबरों के अनुसार वायरल ऑडियो और व्हाट्सएप चैट के आधार पर पुलिस ने 12 परीक्षा केंद्रों पर छापेमारी की और 12 से अधिक लोगों को गिरफ्तार किया। 2 परीक्षा केंद्रों को सील कर दिया गया और कई दस्तावेज जब्त किए गए। पुलिस ने मामले की जाँच शुरू कर दी है और यह संभावना जताई जा रही है कि परीक्षा रद्द हो सकती है। इस परीक्षा में 4500 पदों के लिए भर्ती होनी थी, जो अब जांच के घेरे में है। पटना में सिपाही भर्ती परीक्षा के पास अभ्यर्थी 25 नवंबर से गर्दनी बाग में धरना दे रहे हैं। उनका मुख्य मुद्दा NCL और EWS सर्टिफिकेट की तारीख में बदलाव है। वे चाहते हैं कि 2023 में जारी नोटिफिकेशन के तहत 2022 का सर्टिफिकेट ना लिया जाए और वर्तमान यानी करंट सर्टिफिकेट मान्य किया जाए। धरना स्थल पर मौजूद गुरु रहमान का दावा था कि अभ्यर्थियों की संख्या 15,000 तक पहुंच गई है और इसकी संख्या लगातार बढ़ेगी। अगर उनकी मांगें पूरी नहीं होती तो अभ्यर्थी आमरण अनशन भी करेंगे और अगले विधानसभा चुनाव में बिहार सरकार का विरोध करेंगे। इसलिए CM नीतीश से महिला संवाद यात्रा से पहले अपील की गई है कि इस समस्या को सुलझाया जाए। गया पुलिस ने साइबर फ्रॉड कंपनी पेनॉल सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड के 36 कर्मियों को गिरफ्तार किया है। यह कंपनी इलाहाबाद बैंक के ऊपर 3 मंजिला मकान में पिछले 3 साल से चल रही थी। आरोपी सरकारी योजनाओं का लाभ दिलाने के नाम पर लोगों से ठगी करते थे और कंपनी के QR कोड के माध्यम से पैसे मंगवाते थे। पुलिस ने छापेमारी के दौरान 36 मोबाइल और लैपटॉप जब्त किए हैं। गिरफ्तारी के बाद आरोपी को कोर्ट में पेश किया गया। इस मामले में 36 साइबर ठगी की शिकायत दर्ज की गई थी।
लालू यादव दिल्ली से पटना लौटने के बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की बिहार यात्रा पर मीडिया के सवालों पर उखड़ गए। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार यात्रा पर जा रहे हैं तो हम क्या करें, आप भी जाइए। नीतीश कुमार 15 दिसंबर से महिला संवाद यात्रा पर निकलने वाले हैं, जिसमें राज्य सरकार 225 करोड़ रुपए खर्च करेगी। इसके पहले वह 14 बार बिहार यात्रा पर कर चुके हैं। दूसरी ओर तेजस्वी यादव भी 4 दिसंबर से कार्यकर्ता दर्शन सह संवाद यात्रा शुरू करेंगे, जो मुंगेर से शुरू होकर लखीसराय में खत्म होगी। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को नोबेल पुरस्कार देने की मांग जदयू के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा ने की है। उन्होंने समस्तीपुर में पार्टी कार्यकर्ता सम्मेलन में कहा कि नीतीश कुमार ने महिला सशक्तिकरण में अभूतपूर्व काम किया है और बिहार की सूरत बदली है, जिसके लिए उन्हें नोबेल मिलना चाहिए। संजय झा ने कार्यकर्ताओं से 2025 के विधानसभा चुनाव में नीतीश कुमार को फिर से मुख्यमंत्री बनाने का संकल्प लेने को कहा। उन्होंने सरकार की उपलब्धियों को जन जन तक पहुँचाने की अपील भी की और बिहार के विकास को देश भर में एक उदाहरण बताया। मोहम्मद शमी ने अपने इंस्टाग्राम पर एक वीडियो शेयर किया, जिसमें वह नेट्स पर घातक गेंदबाजी करते हुए दिखे। मोहम्मद शमी ने वीडियो में लिखा कि बॉलिंग मेरी हार्ट बीट है, क्रिकेट मेरी आत्मा है, जिससे यह साफ होता है कि क्रिकेट उनके लिए कितना मायने रखता है। शमी हाल ही में सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में शानदार प्रदर्शन कर रहे हैं और बंगाल को मेघालय के खिलाफ जीत दिलाने में मदद की। हालांकि शमी की बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी में वापसी को लेकर अटकलें तेज हैं और अब NCAA के फैसले का इंतजार किया जा रहा है, जो उनकी फिटनेस पर आधारित होगा। बीते दिन हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का आप लोगों में से बहुत लोगों ने अपना जवाब हमें कमेंट सेक्शन में लिख कर दिया था। जिन्होंने पूछे गए सवाल का जवाब दिया है उनके नाम है राम बाबू दास, संजीव कुमार, शानवी गुप्ता, अनवर करीम खान, राकेश मिश्रा, राज किशोर महतो और संतोष पासवान। इसके साथ ही बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है, क्या राज्य सरकार के कृषि क्षेत्र में किए गए सुधारों से किसानों को लाभ हुआ है या वे अभी भी समस्याओं का सामना कर रहे हैं? आप इस पर क्या कहना चाहते हैं? अपना जवाब हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर बताइएगा। आज के बुलेटिन में बस इतना ही। धन्यवाद।